हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पेपर हैकर में। मैं अरविंद कुमार लेकर आया हूँ कक्षा 10 NCERT मैथ सोल्यूशन। बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें कमेंट्स कीजिए। बच्चों, यदि आपको नोट्स की आवश्यकता है तो हम आपके लिए नोट्स उपलब्ध कराएंगे, और हमारे और वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप हमारा लिंक देख सकते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 4.2 के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमने 9th में भी पढ़े हैं कि मूल किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि x²-3x-10=0। ठीक है, x²-3x-10=0 हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कि जो x² है उसका गुणांक क्या है। तो उसका गुणांक है 1। ठीक है, x² का गुणांक है 1। और जो हमारी अचर संख्या है वो क्या है, तो अचर संख्या है हमारी 10। वैसे तो माइनस का 10 है, लेकिन हम यहाँ केवल 10 कहेंगे से, तो 10 एकम 10, हम दोनों के आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो हमारा बीच वाला बचा है, यानी जो x के साथ बचा है, यानी x के साथ हमारा 3 है। तो अब बच्चों क्या करेंगे, हमें अब इस 10 के फैक्टर 3 में इस प्रकार करने हैं, इस 10 के फैक्टर 3 में इस प्रकार करने हैं कि घटाकर तो 3 प्राप्त हो, लेकिन उनकी जो गुणा है वो 10 होनी चाहिए। ठीक है, घटाकर तो 3 प्राप्त हो, लेकिन जब गुणा करें तो 10 आना चाहिए। ऐसे हमें दो संख्याएं चाहिए। तो बच्चों, ऐसी दो संख्याएं होती हैं 5 और 2। ठीक है, क्योंकि 5 और में से जब 2 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, और 5 और जब 2 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा x², ये जो 3 है इसे हमने चेंज कर दिया 5-2 में, -10=0। x²-5x -2x -10=0। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, x हमारा कॉमन हो जाएगा, x-5+ इसमें 2 कॉमन है, x-5=0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x-5 हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x बचेगा, प्लस का 2=0। तो x-5=0। अब हम ये जो फैक्टर प्राप्त हुए हैं इनको एक एक करके 0 के बराबर हम रखेंगे, तो x-5=0, यानी x=5 प्राप्त होगा, x+2=0, यानी x-2। तो जो x के जो मूल हैं वो हैं 5-2, ये हमारा आंसर रहेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x²+x-6=0। 2x²+x-6=0। ठीक है, तो तरीका हमारा वही रहेगा कि जो x² है सबसे पहले हम उसका गुणांक देखेंगे, उसका गुणांक है 2, फिर जो अचर संख्या है उसे देखेंगे 6, 6 × 12। 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि घटाकर, ये चिन्ह देखा जाता है कि घटाकर 1 आना चाहिए, यहाँ पर x के साथ 1 है, कितना आना चाहिए, 1। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं देखें कि उन्हें घटाकर तो 1 आए, लेकिन उनकी गुणा करने पर 12 प्राप्त हो। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं होंगी
चार और तीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस इस x को हमने चेंज कर दिया 4-3 में, x-6=0। 2x² प्लस 4x-3 x-6=0, ठीक है। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 2x हमारा कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 इन दोनों में -3 कॉमन हो जाएगा, x+2=0। x+2 इन दोनों में कॉमन है, यहाँ से 2x बचेगा, -3=0, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये जो फैक्टर आए हैं इन्हें 0 के बराबर में रख देंगे, x=-2। इसी प्रकार 2x-3=0 और 2x=3 हो जाएगा और x=3/2 हो जाएगा। तो बच्चों जो x के जो मूल हैं वो है -2 और 3/2, ये हमारे मूल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 3, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2=0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे √2, फिर जो अचर है उसे देखेंगे यानी 5√2, उनकी गुणा कर लेंगे, इनकी गुणा आएगी 5 और √2 और √2 की गुणा 2, यानी 5 × 2 = 10। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़कर 7 आना चाहिए और उनकी गुणा क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या होंगी 5 और 2, क्योंकि 5 और 2 की जब गुणा करेंगे तो 10 आ रहा है और 5 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। √2x² प्लस इससे हमने चेंज कर दिया 7x को 5+2 में, ठीक है। ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2=0। इनमें कॉमन लेते हैं, इनमें कॉमन होगा x, यहाँ √2 प्लस यहाँ पर 5 प्लस, अब बच्चों इन दोनों में कॉमन लेते हैं, बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या होगा हमारा, √2। जब √2 कॉमन लेंगे तो ये जो 2 है यहाँ पर √2 बचेगा, x यहाँ x और बचेगा बच्चों, और प्लस का 5=0। अब इन दोनों में ये कॉमन होगा, √2x+5 यहाँ पर x बचा प्लस √2=0। अब इनको 0 के बराबर में रख देंगे, √2x+5=0, √2x=-5 और x=-5/√2, ठीक है। इसी प्रकार x+√2=0 और x=-√2। तो देखा बच्चों कि जो x के जो शून्यक हैं वो हैं -5/√2 और -√2, जो हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² - x + 1/8=0, ठीक है। 2x² - x + 1/8=0। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, ये जो 8 है सबसे पहले हम इसे हटाते हैं, हटाने का अर्थ है हम ये जो इक्वेशन है, ये जो द्विघात समीकरण है, इसमें दोनों ओर 8 से गुणा कर लेते हैं,
जब 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों ओर 8 से गुणा कर ली। ठीक है, जब हमने दोनों ओर 8 से गुणा कर ली तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x, जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, एक बचेगा और बराबर में 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 16 और 1 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16। 16 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़कर 8 आना चाहिए और उनकी गुणा 16 होनी चाहिए, तो ऐसे फैक्टर होते हैं 4 और 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 16x स्क्वायर माइनस इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 4 बराबर 0। 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, इनमें कॉमन ले लेते हैं 4x, 4x माइनस 1, इसमें माइनस कॉमन लिया जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, जब माइनस होगा तो माइनस हम कॉमन लेंगे 4x, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा बराबर 0। 4x माइनस 1 कॉमन, यहाँ 4x, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब दोनों को हम 0 के बराबर में रख देंगे, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। इसी प्रकार जब हम इसको 0 के बराबर में रखेंगे, 1x बराबर 1/4, तो बच्चों x के जो मूल होंगे वो होंगे 1/4 और 1/4। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, वह है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 5, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले x स्क्वायर के साथ 100 और फिर अचर क्या है हमारा 1, 100 और जब 1 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आएगा। 100 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़कर 20 आना चाहिए और उनकी जो गुणा है वो 100 होनी चाहिए, तो ऐसी दो संख्याएं होंगी 10 और 10। ठीक है, क्योंकि 10 और 10 की जब गुणा करेंगे तो 100 आएगा और जोड़ने पर 20 प्राप्त होगा, तो इसे लिखेंगे 100x स्क्वायर माइनस 20 को हमने 10 और 10 में चेंज कर दिया बराबर 0। ये हो जाएगा 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, इनमें 10x कॉमन है, 10x माइनस 1, इन दोनों में माइनस कॉमन है, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ 10x बचा और यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। इसी प्रकार 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। तो बच्चों जो x के दो मूल होंगे वो हैं 1/10 और 1/10। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो बच्चों उदाहरण नंबर 1 देखते हैं, उदाहरण नंबर 1
आपके मैथ में है पेज नंबर 79 पर, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। लेकिन हमें यहाँ व्यक्त नहीं करना है, उन्हें सॉल्व करना है, हल करके दिखाना है। तो क्वेश्चन दो में हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 125 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो बच्चों हम मान लेंगे कि माना जॉन के पास कंचे बराबर एक्स, ठीक है। और हम मान लेंगे बच्चों माना जीवंती के पास कंचे, देखो बच्चों जब हमने माना कि जॉन के पास जो कंचे हैं वो कितने हैं, एक्स हैं, तो जो जीवंती के पास कंचे होंगे वो होंगे 45 माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि दोनों के पास जो टोटल कंचे थे वो कितने थे, 45 थे, जिनमें से जॉन के पास एक्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स, ठीक है। ठीक है, जब हमने माना कि जॉन के पास एक्स कंचे हैं तो जो जीवंती है उसके पास जो कंचे होंगे वो होंगे 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के पास टोटल 45 कंचे थे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। जब दोनों 5-5 कंचे खो देंगे तो जॉन के पास कंचे हो जाएंगे एक्स माइनस 5 और जीवंती के पास जो कंचे हैं वो हो जाएंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है, तो उनके पास जितने भी कंचे बचते हैं उनकी जो गुणा की जाएगी तो उनका गुणनफल 124 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 गुणा 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस x बराबर 124, ठीक है। आप क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में गुणा करते हैं, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 40x और 5x हो जाएंगे 45x माइनस 200, 124 को हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x ये हो जाएंगे माइनस के 324 बराबर 0, ठीक है। इस माइनस को हटा लेते हैं तो माइनस से हम दोनों ओर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 45x ये प्लस का माइनस में चेंज हो गया और प्लस के 324 बराबर 0। तो बच्चों हमने देखा कि ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। इसके फैक्टर हमें इस प्रकार करने हैं 324 के कि जोड़कर 45 आना चाहिए और उनकी गुणा कितनी होनी चाहिए, 324। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ क्या है 324, तो इनकी गुणा 324 हो गई, ठीक है। 324 के ऐसे फैक्टर करना है कि उनकी गुणा तो 324 हो लेकिन जोड़कर कितना आना चाहिए, 45। ठीक है, तो बच्चों हम देखेंगे कि तीन ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं कि उनका योग तो 45 आए और उनकी गुणा 324। तो बच्चों ऐसी दो संख्याएं होंगी 36 और 9,
36 और 9 की जब गुणा करेंगे तो 324 प्राप्त होगा, और 36 और 9 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 45 प्राप्त होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 45 है वो हो जाएगा 36 प्लस 9 में चेंज, एक्स प्लस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0, इनमें x हमारा कॉमन हो जाएगा, x माइनस 36, इनमें हम माइनस का 9 कॉमन लेंगे, यहाँ x बचेगा और माइनस का 36 बराबर 0, इनमें ये कॉमन हो जाएगा x माइनस 36, x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर 36, x माइनस 9 बराबर 0 और x बराबर 9। ठीक है, तो बच्चों हमें ये ज्ञात करना था कि प्रारंभ में जॉन के पास कितने कंचे थे। तो प्रारंभ में जॉन के पास 36 कंचे थे, ठीक है, तथा जीवंती के पास कितने कंचे होंगे बच्चों, 45 माइनस 36 यानी 9 कंचे थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने द्विघात समीकरण से इसे सॉल्व कर लिया। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो बच्चों हम मान लेंगे, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, हमने ये मान लिया कि उस दिन जो खिलौने बने हैं उनकी संख्या एक्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो उस दिन एक खिलौने की लागत, तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि 55 में से अगर हम उस दिन जितने खिलौने बन रहे हैं अगर हम उनकी संख्या घटा दें तो उस दिन एक खिलौने की लागत ज्ञात हो जाएगी। कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। ठीक है, एक खिलौने की लागत है बच्चों 55 माइनस एक्स, लेकिन उस दिन कितने खिलौने बने हैं एक्स, तो टोटल लागत कितनी बताई जा रही है 750 रुपये। ठीक है, x से अंदर गुणा कर लें, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, सबको इधर ले जाते हैं, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ठीक है, अब हम 750 और यहाँ एक की गुणा करेंगे तो हमें 750 प्राप्त होगा। 750 के हमें ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़कर तो 55 आए और उनकी गुणा 750 हो,
जोड़कर तो 55 आए, लेकिन उनकी गुणा करने पर 750 प्राप्त हो। तो इस प्रकार की हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार की दो संख्याएं ज्ञात करें कि जिनको जोड़ने पर 55 आए और उनकी गुणा करने पर 750। तो ऐसी संख्याएं होंगी बच्चों 30 और 25। ठीक है, जब हम 30 और 25 की जब गुणा करेंगे तो 750 आएगा, और जब इनको हम जोड़ेंगे तो 55 आएगा। इस 55 को हम चेंज कर देंगे 30 प्लस 25 में, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। इसमें x कॉमन है, x माइनस 30, इसमें माइनस का 25 कॉमन, x माइनस 30, x माइनस 30 दोनों में कॉमन है, x माइनस 25, x माइनस 30 को आप किसके बराबर में लिखेंगे, 0 के, तो x बराबर 30 हो जाएगा, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25। ठीक है, तो हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो उस दिन जो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या है वो 30 होगी। ठीक है, जो हमारा आंसर रहेगा आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, हमें दो संख्याएं ऐसी ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो। ठीक है, तो बच्चों हम मान लेंगे, माना पहली संख्या x है। ठीक है, हमने पहली संख्या x मान ली। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों का योग 27 हो। तो बच्चों दूसरी संख्या जो होगी वो हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, क्वेश्चन में इन दोनों का योग दे रखा है और इन दोनों का योग है 27। यानी जब हम दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 27 आना चाहिए, लेकिन हमने तो पहली संख्या एक्स मान ली है, तो x प्लस दूसरी संख्या बराबर 27 होना चाहिए। तो हमारी जो दूसरी संख्या है वो हो जाएगी 27, ये प्लस का x इधर चला जाएगा तो माइनस का x। यानी पहली संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या होगी हमारी 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 27 है। अगले कह रहे हैं कि उनका गुणनफल 182 हो। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या की जब हम गुणा करें तो उनका गुणनफल 182 आना चाहिए। पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स बराबर 182। एक्स से अंदर गुणा कर लेते हैं तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। सबको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182। 182 के अब हमें ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़कर 27 आना चाहिए और उनकी गुणा 182 होनी चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं हो जाएंगी 14 और 13। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। 0 बराबर, इसमें x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 14, इसमें माइनस का 13 कॉमन है, x माइनस 14, x माइनस 14 कॉमन है, x माइनस 13। अब x माइनस 14 को हम 0 के बराबर में लिखेंगे तो x बराबर 14 प्राप्त होगा।
एक्स माइनस तेरह को जीरो के बराबर में लिखेंगे तो एक्स बराबर तेरह प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो एक्स का मान 14 और एक्स का मान 13, हम किसी एक एक्स का मान यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों पहली संख्या हो जाएगी हमारी 14। ठीक है, हमने एक्स को 14 मान लिया है, तो बच्चों दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस 14 यानी 13। ठीक है बच्चों, जो हमारा आंसर रहेगा आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो बच्चों मान लेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, तो क्रमागत धनात्मक जो पूर्णांक होगा वो हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ये क्रम से हैं x, तो जो क्रमागत होगा वो होगा x प्लस 1। अब क्वेश्चन के अनुसार कि जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी जो पहला पूर्णांक हमने माना है उसका वर्ग और जो दूसरा पूर्णांक है उसका वर्ग, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो प्रश्न के अनुसार ये 365 होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा 365। 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये 365 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 2x² प्लस 2x ये माइनस का 364 बचेगा बराबर 0। इनमें 2 सब में कॉमन आ रहा है, x² प्लस एक्स माइनस ये हो जाएगा 182 बराबर 0। 2 इधर चला जाएगा, x² प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब हमें 182 के ऐसे फैक्टर करना है कि घटाकर 1 आना चाहिए। तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टर किए थे, बिल्कुल सेम फैक्टर होंगे इसके, लेकिन वहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस, 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब इनमें x कॉमन है, x प्लस 14 बचेगा, माइनस के 13 कॉमन, x प्लस 14 बराबर 0। अब क्या करते हैं बच्चों, x प्लस 14 दोनों में कॉमन हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 14, x माइनस 13 बराबर 0 और x बराबर 13। तो देखा बच्चों यहाँ पर x का मान माइनस में आ रहा है और यहाँ x का मान प्लस में, लेकिन हमें तो ये ज्ञात करना था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी हमें तो धनात्मक मान लेकर आना है, तो हमारा जो पूर्णांक होगा वो 13 होगा, ना कि माइनस का 14, क्योंकि ये तो माइनस का है और ये प्लस का, तो हमारे पूर्णांक हो जाएंगे, तो पूर्णांक हो जाएंगे बच्चों हमारे, पहला पूर्णांक 13 तथा दूसरा 14। ठीक है,
क्योंकि क्रमागत पूर्णांक है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, जिसका कोण भी हमने समकोण मान लिया, ए बी हमारा आधार हो जाएगा, बी सी हमारा लंब हो जाएगा और ए सी हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब जो लंब है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम मान लें कि माना आधार x है, x सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका जो लंब होगा ये हमने x सेंटीमीटर मान लिया, तो जो इसकी जो ऊंचाई होगी वो उससे 7 सेंटीमीटर कम होगी, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो का मतलब है हमें आधार और लंब ज्ञात करना होगा, जबकि कर्ण हमारे पास 13 दे रखा है। तो बच्चों क्या करते हैं, हमने कक्षा 9 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से कि जो कर्ण का वर्ग है दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा 13 दे रखा है, यानी 13 का स्क्वायर, लंब हमारा x माइनस 7 है, x माइनस 7 का स्क्वायर, और आधार हमने x माना है यानी x का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 49, 7 × 14x, ठीक है। हम 169 को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, ये जो प्लस के 169 हैं इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये हमारे बचते हैं माइनस के 120, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं कि इन सब में दो हमारा कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब ये जो दो है वो कहाँ आ जाएगा, जीरो में आ जाता है, तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के लिए 60 और 1 की गुणा जब करेंगे तो 60 प्राप्त। यहाँ से देखते हैं बच्चों ये जो दो है वो जीरो में चला जाएगा, तो प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब हमें 60 के ऐसे फैक्टर करना है कि घटाकर 7 आना चाहिए और उनकी गुणा 60, तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 और 5, ऐसे दो फैक्टर होंगे बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 12, इन दोनों में 5 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 दोनों में कॉमन हो जाएगा,
यहाँ x बचेगा प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 को 0 के बराबर में रखेंगे तो x बराबर 12 प्राप्त होगा, x प्लस 5 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस का 5 प्राप्त होगा। तो अब देखेंगे बच्चों, यहाँ x का मान माइनस का 5 आया है और यहाँ x का मान प्लस का 12। चूँकि त्रिभुज की कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम x का मान प्लस का लेंगे यानी 12 लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का जो आधार होगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी यानी जो लंब होगा वो हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम मान लेंगे, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। हमने ये मान लिया कि जो बर्तन बन रहे हैं उनकी संख्या x है। क्वेश्चन के अनुसार कि एक नग की जो लागत आ रही है, एक नग की लागत वह है बर्तनों की संख्या के 2 से 3 अधिक, ठीक है। बर्तन हमारे x हैं तो इनका जब 2 गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और 3 अधिक है तो 2x प्लस 3, ठीक है। कुल लागत है 90 रुपये, ठीक है। एक नग की लागत 2x प्लस 3 है बच्चों, और कुल नग कितने बन रहे हैं x, तो ये 90 के बराबर होगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x बराबर 90, 2x² प्लस 3x माइनस का 90 बराबर 0। 90 और 2 की गुणा करेंगे तो 180 के हमें ऐसे फैक्टर करना है कि घटाकर 3 आना चाहिए, तो जो फैक्टर हो जाएंगे हमारे 12 और 15, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं x, यहाँ 2x बचेगा और यहाँ 15, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, 6 कॉमन हो जाएगा, 2x और प्लस 15 बराबर 0, इन दोनों में ये कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 15, x माइनस 6 बराबर 0। तो अच्छो 2x प्लस 15 बराबर 0 यानी 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर माइनस 15/2 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों x माइनस 6 को जब 0 के बराबर में रखेंगे तो x बराबर 6 प्राप्त होगा, ठीक है। यानी x का मान प्लस का 6 होना चाहिए क्योंकि बर्तन की जो संख्या है वो धनात्मक होगी। तो निर्मित
बर्तनों की जो संख्या होगी वो 6 होगी। तथा एक नग की जो लागत होगी वो होगी बच्चों 2x+3 यानी 12+3 यानी 15। ठीक है बच्चों, जो हमारा आंसर रहेगा। यदि बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो तो हमें हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों आपको नोट्स की आवश्यकता है तो हम आपके लिए ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। और हमारे और वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उन पर जाकर उन्हें सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।